भारत में वन नेशन वन इलेक्शन कोड की जरूरत है, एक यूनिफॉर्म इलेक्शन कोड की तत्काल जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से इस बार का चुनाव झूठ के दम पे लड़ा गया, फर्जी वाले से लड़ा गया, झूठे बयान, झूठा मैनिफेस्टो, झूठा वादा, वो पूरी तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। संविधान का आर्टिकल 324 कहता है कि भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, निष्पक्ष इलेक्शन होना चाहिए, स्वतंत्र इलेक्शन होना चाहिए, और इलेक्शन में कोई झूठ फरेब धोखा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बार के इलेक्शन में झूठ फरेब धोखा का कहते नहीं एकदम एक्सट्रीम हो गया। पहले झूठे वादे किए गए, एक एक लाख रुपए दूंगा, किसी ने कहा हम 2-2 हजार रुपए देंगे हर महीने, किसी ने कहा हम 8.5 हजार रुपए हर महीने देंगे, जबकि भारत के पास पैसा नहीं है, 225 लाख करोड़ का कर्जा पहले ही है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत का कानून महाघटिया है। 1951 में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बनाया था नेहरू जी ने, वो महा सड़ा हुआ है, एकदम घटिया है। उसी की वजह से झूठ भी चल रहा है, फरेब भी हो रहा है, धोखा भी हो रहा है, अलगाववादी भी संसद में पहुंच रहे, खालिस्तानी भी संसद में पहुंच रहे, अनपढ़ अनाड़ी गंवार भी संसद में पहुंच रहे, माफिया भी संसद में पहुंच रहे, पॉलिटिकल पार्टियों का टिकट खरीद रहे और उसके बाद संसद में पहुंच जा रहे। इसीलिए इससे बचने के लिए भारत में एक यूनिफॉर्म इलेक्शन कोड की जरूरत है, एक समान चुनाव संहिता की। सबसे पहले मिनिमम क्वालिफिकेशन तय होनी चाहिए, जैसे आईएएस बनने की मिनिमम क्वालिफिकेशन है, क्लर्क बनने की मिनिमम क्वालिफिकेशन है, हवलदार थानेदार बनने की मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ऐसे सांसद और विधायक की मिनिमम क्वालिफिकेशन तय होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट तय होना चाहिए, जैसे सारी पब्लिक सर्वेंट में जो पब्लिक सर्विसेज हैं वहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट तय होती है, ऐसे चुनाव लड़ने की भी मैक्सिमम एज लिमिट तय होनी चाहिए। जैसे प्रत्येक पोस्ट के लिए कम्पिटिटिव एग्जाम होता है, चाहे वो क्लर्क के लिए एग्जाम होता है, चाहे वो आईएएस के लिए एग्जाम होता है, चाहे पुलिस बनने के लिए होता है, या वैसे ही एक भारत में लेजिस्लेचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए, सांसद विधायक के लिए भी एक बाकायदा एग्जाम होना चाहिए। एक व्यक्ति को दो जगह से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। जब आम जनता दो जगह से वोट नहीं दे सकती तो उसको दो जगह से चुनाव लड़ने की अनुमति क्यों मिलनी चाहिए? पॉलिटिकल पार्टियां अगर किसी भी सजायाफ्ता को पदाधिकारी बनाए, अगर पॉलिटिकल पार्टियां किसी भी सजायाफ्ता को टिकट दें, पॉलिटिकल पार्टियां किसी ऐसे व्यक्ति को पार्टी का पदाधिकारी बनाए या टिकट दें जिसके खिलाफ गंभीर अपराध में चार्ज फ्रेम हो चुका है कोर्ट के जरिए, उस पॉलिटिकल पार्टी की मान्यता रद्द होनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक पॉलिटिकल पार्टियां पैसा लेके अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को, माफियाओं को ऑफिस बीरर भी बनाती रहेंगी, पार्टी महासचिव, पार्टी अध्यक्ष भी बनाती रहेंगी और उनको टिकट भी देती रहेंगी, क्योंकि वो तो उनके पास तो 50-100 करोड़ रुपए होता है लोकसभा का टिकट खरीदने के लिए, राज्यसभा का टिकट खरीदने के लिए और विधानसभा का टिकट खरीदने के लिए। इसी तरीके से मैनिफेस्टो यूनिफॉर्म होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। भारत में मैनिफेस्टो का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी स्वतंत्र है अपना अपना मैनिफेस्टो ड्राफ्ट करने के लिए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि जो वो वादा कर रही है उस वादे को कितने दिन में फ्रेम करेगी, पहले साल में कौन कौन सा वादा पूरा होगा, दूसरे साल में कौन कौन सा वादा पूरा होगा, तीसरे साल में कौन कौन सा वादा पूरा होगा, और जिस वादे को पूरा करने में पैसा खर्च होना है वो पैसा कहाँ से आएगा। चाहे वो स्टेट इलेक्शन हो, चाहे सेंट्रल का इलेक्शन हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ना तो टाइमलाइन बताने की जरूरत है कि जो वो वादा कर रही है वो कौन कौन सा वादा कितने दिन में पूरा होगा, ना उसको ये बताने की जरूरत है कि जो वो वादा कर रहे हैं उसमें जो पैसा आएगा, जो लागत आएगी, वो कहाँ से आएगा। इसी तरीके से वोटिंग कंपलसरी होना चाहिए। अब समय आ चुका है कंपलसरी वोटिंग किया जाए और आधार बेस्ड वोटिंग किया जाए। जो लोग मान लीजिए दूर रहते हैं, बाहर कहीं नौकरी करते हैं, घर पे आ नहीं सकते, अपने बूथ पे नहीं आ सकते, तो ठीक है, उनको आधार बेस्ड वोटिंग की सुविधा मिलनी चाहिए। अगर आधार का उपयोग करके बैंक से पैसा निकाला जा सकता है तो आधार का उपयोग करके वोटिंग नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल हो सकती है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ऐसी एडवांस हो चुकी है। वोटर लिस्ट कॉमन होनी चाहिए, वन नेशन वन वोटर लिस्ट। अभी क्या हो रहा है, पार्षद के चुनाव में अलग वोटर लिस्ट बनती है, प्रधान के चुनाव में अलग वोटर लिस्ट बनती है, विधानसभा के चुनाव में अलग वोटर लिस्ट बनती है, सांसद का चुनाव होता है अलग वोटर लिस्ट बनती है। तो हमारे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लाई हों, चाहे वो टीचर हों, चाहे नगर निगम में काम करने वाले, इनकी हर साल ड्यूटी लगती है वोटर लिस्ट बनाने के लिए। वोटर लिस्ट कॉमन होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, वन नेशन वन वोटर लिस्ट होना चाहिए, और पोस्ट ऑफिस को
वोटर लिस्ट बनाने का नोडल सेंटर बना देना चाहिए। भाई अपना राशन कार्ड हम घर बैठे नहीं बनता ना, राशन कार्ड बनवाने जाते हैं हम, अपना आधार बनवाने जाते हैं हम, अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं हम, अपना बाकी सारे पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं, कुछ भी घर बैठे बैठे नहीं आता। फिर वोटर लिस्ट घर बैठे बैठे क्यों आनी चाहिए? वोटिंग कंपलसरी करिए, सब लोग अपने आप जाके अपने वोटर लिस्ट बनवाएंगे, पोस्ट ऑफिस को नोडल सेंटर बना दीजिए। भाई पोस्ट ऑफिस के पास ज़्यादा कोई काम बचा नहीं, आज की डेट में ईमेल सब उपयोग कर रहे हैं, कुरियर इतना उपयोग हो रहा है कि आज की डेट में अब जो चिट्ठी भेजने वाला काम था वो बंद हो चुका है। ऐसे में जो भारत में 2 लाख अपने पोस्ट ऑफिस हैं उनको वोटर लिस्ट बनाने का काम दे देना चाहिए। इस पर मेरी PIL चल रही है। मेरा ये मानना है EVM के ऊपर पार्टी का सिंबल नहीं होना चाहिए, EVM के ऊपर नाम होना चाहिए, कैंडिडेट की कलर फोटो होनी चाहिए जिससे आराम से उसको पहचाना जा सके, उसके क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अल्टीमेटली वोट देते समय कैंडिडेट यही देखता है कि भैया ये कितना पढ़ा लिखा है, इसका नाम क्या है, उसको पहचानने की ज़रूरत है। पहचान करने के लिए वो पार्टी सिंबल की ज़रूरत ही नहीं है। EVM पे पॉजिटिव और निगेटिव बटन होनी चाहिए, यानी हर कैंडिडेट के नाम के सामने एक ग्रीन बटन एक रेड बटन। आपको कैंडिडेट पसंद है तो आप ग्रीन बटन दबा दीजिए, आपको कैंडिडेट नहीं पसंद है तो रेड बटन दबा दीजिए। मेरा ये मानना है कि ग्रीन और रेड का कॉन्सेप्ट भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का अपना इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट होना चाहिए, जैसे लोकसभा का इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट होता है, राज्यसभा का इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट होता है, सुप्रीम कोर्ट का अपना सेक्रेटरीट है, हाई कोर्ट का अपना सेक्रेटरीट है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास कोई सेक्रेटरीट नहीं है। तो उनके यहाँ जो लोग काम करने वाले हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं, सरकार उनको जब मन करती भेजती, जब मन करती बुला लेती है। अब उनके ऊपर हमेशा तलवार लटकी रहती है कि हम यहाँ का ऐसा कोई ऐसा काम करने पता चला हमको ट्रांसफर कर दिया जाए। इसलिए इलेक्शन स्वतंत्र करने के लिए, इलेक्शन को निष्पक्ष करने के लिए इलेक्शन कमीशन का अपना खुद का सेक्रेटरी सचिवालय भी होना चाहिए। डोनेशन पॉलिटिकल पार्टियों का 100% कैशलेस होना चाहिए, कैश में कोई डोनेशन नहीं। आज की डेट में भारत के पास ऐसा कोई परिवार नहीं है जहां ATM, पेटीएम, भीम, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं हो रहा है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टियों को कोई भी कैश में डोनेशन मान्य नहीं होना चाहिए, 100% डोनेशन ऑनलाइन होना चाहिए, बैंक के थ्रू होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए, कैश में होना ही नहीं चाहिए, कैश में बैन होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियों को RTI के दायरे में लाना चाहिए, पता तो चले किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा मिला है, किससे चंदा मिला है, कहां से चंदा आया है, RTI के दायरे में आना चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों का कानून फिक्स करना चाहिए, 2 चाइल्ड नाम सबके लिए फिक्स कर देना चाहिए। इसी तरीके से वोट काउंटिंग करने के लिए टोटलाइजर का यूज़ करना चाहिए। आदमी अगर कोई झूठा एफिडेविट दे रहा है उसके चुनाव लड़ने पे लाइफ बैन होना चाहिए, और फेक न्यूज़ और पेड न्यूज़ को गंभीर अपराध घोषित करना चाहिए। अगर हमने एक नई भारतीय चुनाव संहिता बनाया, एक वन नेशन वन इलेक्शन कोड बनाया, और ये जो मैंने आपको बताया 20 पॉइंट बताया है इनको इनकॉर्पोरेट कर लिया, तो जैसे हमें बेस्ट टैलेंट मिलता है आपको इंजीनियरिंग में, जैसे बेस्ट टैलेंट आता है आपके मेडिकल में, जैसे बेस्ट टैलेंट आता है आपके जुडिशियल सर्विस में, बेस्ट टैलेंट आता है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, जैसे अच्छे टैलेंटेड लोग IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, वैसे ही अच्छे लोग, टैलेंटेड लोग सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, पार्षद बनेंगे, प्रधान बनेंगे। और नहीं तो ये झूठ का बोलबाला चलता रहेगा, पाखंड का बोलबाला चलता रहेगा, लोग कविता पाठ सुना सुना के, शेरो शायरी सुना सुना के ऐसे अपना काम चलाते रहेंगे, वेतन भत्ता गाड़ी बंगला उनको मिलता रहेगा, काम कुछ नहीं करेंगे। जैसे डॉक्टर का काम है इलाज करना, ड्राइवर का काम है बढ़िया गाड़ी चलाना, टीचर का काम है अच्छी तरीके पढ़ाना, मिस्त्री का काम है अच्छी तरीके घर बनाना, वैसे ही सांसद विधायक का काम होता है अच्छा कानून बनाना। लेकिन अच्छा कानून तब बनेगा जब ये सांसद विधायक अनपढ़, अनाड़ी, गंवार नहीं होंगे, चुटकुला सुनाने वाले नहीं होंगे, शेरो शायरी वाले नहीं होंगे, झूठ बोलने वाले नहीं होंगे, बल्कि पढ़े लिखे होंगे, अच्छे संस्कार वाले होंगे, और उनको संविधान कानून का ज्ञान होगा, उनको विदेशों में क्या हो रहा है उसका ज्ञान होगा, तभी कानून बदलेगा। और कानून बदलेगा तो व्यवस्था बदलेगी, व्यवस्था बदलेगा तो समाज बदलेगा, नहीं तो ये जैसे चल रहा है इससे भी बुरा दिन आएगा।